हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर कल एक अजीबोगरीब घटना हुई। लाखों लाख की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और घर जाने की डिमांड करने लगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 15 अप्रैल से ट्रेन चल जाएगी, लेकिन रेलवे ने क्या कहा इस बारे में, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए कि 15 अप्रैल से ट्रेन चलने वाली है, वो मैंने न्यूज़पेपर के आधार पर ही बनाए हैं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, और मैंने वीडियो में यह भी बताया कि अगर लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है तो फिर कोई उम्मीद नहीं होगी ट्रेन चलने की। और फाइनली दोस्तों वही हुआ, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 3 मई तक। अब कोई भी उम्मीद नहीं है ट्रेन चलने की। तो जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे वो मैंने न्यूज़पेपर के आधार पर ही बनाए थे, उसके लिंक भी मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ मुंबई की घटना के पीछे। रेलवे का बड़ा खुलासा, बताई 7 दिन पहले ये बड़ी वजह। दोस्तों, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर अचानक से सैकड़ों लोगों की भीड़ आ जाने की घटना पर रेलवे ने बड़ा खुलासा किया है। रेलवे के अफसरों का कहना है कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ जाने के पीछे 7 दिन पहले एक फेक न्यूज़पेपर, एक अखबार ने नेशनल लेवल पर यह खबर छापी थी कि 15 अप्रैल से ट्रेन चलने वाली है। खबर में बताया गया था कि 15 अप्रैल से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। रेलवे ने इस खबर का खंडन भी कर दिया था, लेकिन तब तक मीडिया और दूसरे माध्यमों से ये फेक न्यूज़ वायरल हो गई थी। उसी का नतीजा था कि लॉकडाउन के बावजूद बांद्रा में ये भीड़ सड़क पर उतर आई। ऐसे में भारतीय रेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान जारी कर साफ किया गया कि 3 मई तक सभी पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया गया है। इस बयान में कहा गया कि भारतीय रेल द्वारा 3 मई 2020 तक पूरे देश में सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, एवं यात्रियों की भीड़ भाड़ को कम करने हेतु विशेष ट्रेन चलाए जाने की कोई भी योजना नहीं है। सर, संबंधित इसका संज्ञान लें एवं किसी भी तरह की गलत भ्रामक खबर को फैलने न दें। रेलवे ने यह ट्विटर हैंडल से साफ किया है कि 3 मई तक कोई भी पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की कोई भी योजना नहीं है। अगर उससे पहले कोई भी आपको न्यूज़ मिलती है तो वो न्यूज़ फेक है। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी न्यूज़ बना रहा था वो ई पेपर के आधार पर ही बना रहा था, या तो अमर उजाला, या तो दैनिक जागरण, या तो आज तक, या तो न्यूज़ 18। मैं किसी न किसी लिंक के माध्यम से ये न्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन दोस्तों, साथ में मैं ये भी बता रहा था कि अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो ट्रेन चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने कहा था कि ट्रेन चलेंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने वीडियो में ये भी कहा था अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो ट्रेन चलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।